हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसन और आलू का ऐसा नाश्ता जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही क्रिस्पी होता है। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर वैसे भी इसे खा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ आपको ये नाश्ता किस तरह और कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने देखिए हाफ कटोरी बेसन लिया हुआ है। मैं बेसन को एक बाउल में डाल लूँगी और फ्रेंड्स मैं इसमें डालूँगी हाफ टी स्पून हल्दी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आप खाना पसंद करते हो। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पैकेट मंगवाया हुआ था। अगर आपके पास पैकेट आपको नॉर्मली अवेलेबल दुकान पर शॉप पर मिल जाएगा, नहीं तो आप घर पे भी चिली फ्लेक्स बना सकते हो। और फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनिक हो। और फ्रेंड्स, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसमें धनिया पत्ती बाद में डालूंगी, पहले मैं इसका बहुत ही बढ़िया पेस्ट बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसका बहुत ही पतला घोल बना लिया है। आपको इसे और भी पतला करना है तो इसमें मैं और पानी और डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसका घोल इस प्रकार बना लेना है जिस प्रकार मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए, बिल्कुल पतला घोल बनाकर तैयार कर लेना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने घोल को अपने पैन के अंदर डालूंगी। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह इसे हिलाते रहिए। आपको इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बेसन का घोल बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये काफी टाइट हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। हमारा पेस्ट बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। पर आपको इसे बिल्कुल ठंडा बिल्कुल नहीं करना है, इसे हल्का सा गर्म रखिएगा। और फ्रेंड्स, ये दो बॉईल किए हुए आलू हैं जो मैंने क्रश कर लिए हैं। आपको इसमें आलू क्रश करके ही डालने हैं। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी धनिया। मैंने ये कुछ धनिया के पत्ते भी डाल दी हैं, इससे हमारे नाश्ते का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार की एक थाली ले ली है और थाली के अंदर मैं अब अपना ऑयल या घी, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप लगा लीजिएगा। तो देखिए व्यूवर्स, मैंने इसमें ऑयल लगा दिया है, आप देख सकते हैं। मैं चारों तरफ से इसे ग्रीस कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब इसमें अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे एक थाली में निकाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अपनी थाली में निकाल लिया है और इसे अच्छे से दबा दूँगी। फ्रेंड्स, मैंने ये अपना डो कम ही बनाया है, इसलिए मैं इसे हाफ थाली में बनाकर तैयार करूँगी। मैंने इसके अंदर आलू मिक्स कर दिया है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी 15 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। कटिंग आप किसी भी प्रकार की कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसकी बहुत ही अच्छी कटिंग कर ली है। और अब मैं इसमें से एक एक पीस इस प्रकार उठा लूँगी, आप देख सकते हैं, और अपनी दूसरी प्लेट के अंदर रख लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सभी पीसेस इस प्रकार निकाल लिए हैं। अब मैं इन्हें सेलो फ्राई करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें अब ऑयल डाल दूँगी।
अभी सभी नाश्तों को अच्छे से तलूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप इसे ज़्यादा अच्छे से तलना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें ये मीडियम ऑयल डाला है। फ्रेंड्स, मैं इसमें हल्का सा नमक डाल देती हूँ। सबसे पहले मैं अपने ऑयल को देख लेती हूँ कि हमारा ऑयल गर्म है या नहीं है। उसके लिए मैं छोटी सी एक टिक्की इसमें डालूंगी। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑयल गर्म हो चुका है शायद। और अब मैं अपनी धीरे धीरे टिक्कियाँ डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको इसे डीप फ्राई करना है चारों तरफ से। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक तरफ से अगर फ्राई हो चुकी होगी तो मैं इन्हें पलट दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता चारों तरफ से सिक चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। हमारा नाश्ता दोनों तरफ से सिक चुका है, आप देख सकते हैं। अब आप एक एक करके सभी अपने पीसेस को निकाल लेंगे क्योंकि हमारा ये सैलो फ्राई हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इनमें से एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। यह आपको खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये नाश्ता पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।